पहुंच गए अभी हम लोग जलियांवाला के पास, बट ये रोड बहुत ही घिचघिच वाला रोड है भाई। तो अभी अपना गाड़ी वाड़ी लाने का तो सोचना भी मत, यहाँ पे गाड़ी एंट्री भी नहीं है शायद, ये टुक टुक वगैरह चलती है। तो अपना अपने ट्रांसपोर्ट से अपने गाड़ी से अगर आप आ रहे हो तो आपको अपना गाड़ी कहीं वहाँ पार्किंग में रखना है और यहाँ से चल के जाना है, या टुक टुक इज़ द बेस्ट, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे भाई, यहाँ पे गाड़ी कहीं नहीं घुसेगी। खाने पीने की होटल वगैरह यहाँ पे सब मिल जाता है आपको, तो उसको लेकर तो टेंशन ही नहीं है, खाने पीने की तरफ से कोई जोर नहीं है। यहाँ पे देखिए लजीज पंजाबी ढाबा, छोले पूरे, चाय कब लस्सी, कॉफी हाउस, दूर देखो क्या ही भीड़ है भाई। ये आपका जलियांवाला बाग, यहाँ पे ये स्टैचू है, व्हाइट स्टैचू के पास ही आपको जलियांवाला बाग की एंट्री हो जाती है। आजा भाई, जैसे आप वहाँ से घुसोगे तो काफ़ी बड़ा एरिया है आपको, यहाँ पे ग्रीनरी वीनरी लगे हुए हैं। यही और जलियांवाला बाग है जहाँ पे एक जलियांवाला मैसेकर हुआ था, मतलब हमारे कितने लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, बहुत ट्रैजिक प्लेस है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक। यहाँ पे आपको रियल जो बुलेट्स चले थे, जो गोलियाँ चली थी, उस गोलियों के मार्क्स यहाँ पर दिखे जाएंगे, वो गोलियों के मार्क्स इधर है। ये रियल गोलियाँ लगी थी यहाँ पे। थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं लोग यहाँ पे आके, मतलब इतने हमारे इतने सारे हमारे भाई बहन दोस्तों को मारा गया है, जानवर जैसे बड़ा बंद कर रहा था दरवाजा, फिर उसको उन्हें गोली मार दी गई थी। यहाँ फिर से दीवारों पे आपको बुलेट मार्क्स दिखेंगे। इतनी गोलियां चली थी भाई, पूरे गोलियों के मार्क्स इन्होंने मार्क कर दिया है दिखाने के लिए कि यहाँ पे गोलियां लगी थी, तो जो ईंट टूटे थे ना तो यहाँ पे टूटे वाले ईंट दिखा देते हैं। क्या होता जब वहाँ पे दरवाज़ा पूरा बंद करके इनको गोलियों से मारा गया था, तो यहाँ पे एक कुआ है, वेल तो उस कुएँ में 120 लोग कूद गए थे, मतलब 120 बॉडियाँ निकाली गई थी उस कुएँ से। तो अभी जाते हैं उस कुएँ की तरफ, और ये वाला स्मारक बनाया गया एक्चुअली जो सही शहीद हुए थे उनके लिए। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, शायद ही इंडिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जो उनको जलियांवाला बाग के बारे में नहीं पता होगा, शायद ही। ये रहा वो कुआ है जिस कुएं में 120 लोग मरे थे, देखते हैं यहाँ पे कुछ हिस्ट्री का कुछ है कि नहीं पढ़ने के लिए। उसके
इसके बारे में पढ़ के, हाँ यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, देखते हैं। ये देखो यही बता रहा था, टू एस्केप द डेडली फायरिंग मेनी पीपल फेल इनटू दिस वेल बट 120 डेड बॉडीज वर रिकवर्ड फ्रॉम इट। 120 लोग की बॉडियां मिली थी इसके अंदर, देखते हैं। कुएं के पास जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है लोग। थोड़ा सा भीड़ हट जाए उसके बाद दिखाते हैं। ये कुआं है, हाँ बंद करके रखा है पूरा कुआं, हाँ नीचे का हल्का सा दिख रहा है। लोगों ने पैसे वैसे भी फेंके हैं। 120 बॉडियां निकली थी इसके अंदर से, इमेजिन, डर के मारे लोग कूद गए थे गोलियों से बचने के लिए। शिट मैन, हॉरिबल, बहुत खराब। গুলির থেকে বাঁচার জন্য সবাই এখানে ঝাঁপ মেরেছে। হরেবল মান, মতলব यहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी आज़ादी के टाइम पे, तो उनको पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, उनको लगा कि कोई साजिश वाजिश चल रही है, तो इन्होंने क्या किया, चारों जो गेट है ना सब गेट बंद कर दिया और गोली चलाई। सबको पता ही होगा आपको, फिर भी मैं मतलब थोड़ा सा भावुक टाइप का हो गया तो बता रहा हूँ, जलियांवाला का स्टोरी किसको नहीं पता है यार, लेकिन अपनी आँखों से देखना ना, मतलब हॉरिबल यार, मतलब गंदा लगता है बहुत। यहाँ पे आपको टॉयलेट की व्यवस्था पूरी है, ठीक है, टेंशन कुछ नहीं, आराम से बिंदा खा सकते हैं आप लोग। General Dyer's response for his actions on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar, the committee has reached its conclusion. It declares Regiment General Dyer not guilty of his actions on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh and orders for his acquittal. Thank you.
इंडियंस हुए वर्क अंडर ब्रिटिश ना, देवर टर्म्ड एज गद्दार एंड देवर ऑल किल्ड, 400 वर हैंग बाय नेक टिल डेथ। यह गद्दार पार्टी का सिंबल। बहुत बहुत अच्छा लगा ये जगह घूमने के लिए। ये हम अभी एग्जिट की तरफ निकल जा रहे हैं, मतलब इट इज़ वेरी गाइड। और यहाँ पे और एक गैलरी है भाई, गैलरी फोर भी है। ओके ठीक है, गैलरी फोर स्किप मारते हैं। इधर इधर एग्जिट इधर है, चलो। बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश है, ज़्यादा तेज नहीं है, तो उतना भीगने का टेंशन भी नहीं है। यहाँ से एग्जिट, इधर काके डाकचीज, दिस इज नॉट योर डैड, सॉरी। इसी को भी लेके चले जाओगे घर पे? हाँ ए रिया, उन्नो एक जन के ट्रेने नहीं चले जाते बाबा भेबे निक निक। पूरा आपको इस गली में ना पूरा ये मिल जाएगा, सूट वगैरह, कपड़े, खाने की चीज़ें, कुछ कुछ सामान खरीदने के लिए। यहाँ से बहुत सारे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो आपको यहाँ से वाघा बॉर्डर ले जाने का किराया वगैरह, अपना गाड़ी वाड़ी वो सब भी बताने वाले हैं। तो अगर आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ से वाघा बॉर्डर जाना चाहते हो तब वो भी कर सकते हो। जूती वगैरह सब यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है।